मैनपुरी की करहल विधानसभा के कोसमा चौराहे के पास समाजवादी पार्टी की जनसभा में पहुंचे नेता मुलायम सिंह यादव ने कहा, मेरी भावनाओं का आदर करते हुए अखिलेश यादव को भारी मतों से जिताना है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, नेताजी का आभार और धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज के कार्यक्रम में नेताजी के आने से कार्यक्रम की रौनक और खूबसूरती बढ़ गई। नेताजी ने चार चांद लगाने का काम किया है। अखिलेश यादव ने कहा, यह क्षेत्र नेताजी का क्षेत्र रहा है। नेताजी यहाँ पढ़े, नेताजी ने यहाँ पढ़ाया, नेताजी ने यहाँ कुश्ती लड़ी और लड़ाई, जहाँ राजनीति सीखी और बड़े बड़े लोगों को चरखा दौड़ लगवा करके समाजवादी पार्टी को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इस बार भारतीय जनता पार्टी के भूत पर भूत नाचेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग कोई भी साजिश कर सकते हैं, चुनाव में उनके साथ कोई भी वर्ग नहीं। भारतीय जनता पार्टी को अपना नाम बदल लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को भारतीय झगड़ा पार्टी रख लेना चाहिए। आने वाले वो अपना हेलीकॉप्टर लेकर के उड़ गए। ये जोश और उत्साह बता रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के बूथों पर इस बार ये जो उत्साह जोश बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के बूथ पर भूत नाचेंगे। उन्हें मतदाता नहीं मिलेंगे, वोट डालने वाले नहीं मिलेंगे। और हमें तो ये लगता है करेल के बूथों पे मक्खी मारने वाला भी नहीं मिलेगा। मैं आपसे कह रहा हूँ, जीत आपकी हो चुकी है, लेकिन आपको बहुत सावधान रहना है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कोई भी साजिश कर सकते हैं, ये षड्यंत्र कर सकते हैं, चुनाव में उनके साथ ना किसान है, ना नौजवान है, ना माताएं, ना बहने हैं, ना बहने हैं, ना कोई वर्ग नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से बड़ा झूठ कोई पार्टी नहीं बोलती। बताओ, भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है कि नहीं बोलती है? भारतीय जनता पार्टी झांसा देती है कि नहीं देती है? जनता पार्टी झगड़ा लगाती है कि नहीं लगाती है? इसलिए भारतीय जनता पार्टी को अपना नाम बदलने लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी नहीं, इनको भारतीय झगड़ा पार्टी नाम रख लेना चाहिए, क्योंकि जनता उनका समर्थन नहीं कर रही है। इसलिए सहानुभूति लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जो भी भावना है उसको पूरी भावना का आदर करते हुए अखिलेश को भारी बहुत जताना। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।